अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं इंडो चाइनीज शेजवान चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही मजेदार झटपट बनती है रेसिपी। चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए ये है 250 ग्राम चिकन बोनलेस, वैसे चर्बी निकाली हुई है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस किए। अब पीस आपके ऊपर है, आप चाहे तो लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स भी कर सकते हैं, बट मैंने छोटे छोटे पीस किए। दो तीन पानी से धो के नितारने के लिए 10-15 मिनट छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अब एक बड़े से बाउल में इसे चिकन को डाल दीजिए, हमारी बोनलेस को। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चाय का चम्मच शेजवान चटनी, 1/2 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस और 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल थोड़ा फील देने के लिए थोड़ा सा तंदूरी फूड कलर डाल रही हूँ, रेड वाला। आप ये ऑप्शनल है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने, ढक कर आप चाहें तो फ्रिज में रख दें या फिर साइड पर रख सकते हैं ढक कर। चलिए आधा घंटा हो चुका है, तेल गरम करने रख दीजिए। अच्छा गर्म हो जाए, मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर वेल कोट करी हुई चिकन के पीसेस थोड़े डाल दीजिए और इसे पहले तो 1 मिनट तक चलाइएगा मत, ज़रा थोड़े गीले रहते हैं, एक कोटिंग आ जाए 1 मिनट के बाद, तो इसे उलट पलट कर दीजिए और चूल्हे को कर दीजिए हल्का सा लो, एकदम लो भी नहीं करना है, लो और मीडियम के बीच में रखिएगा और 4 मिनट तक उलट पलट करते हुए चिकन को फ्राई कर लीजिए। जब 4 मिनट हो जाए तो फिर से मीडियम आंच कर दीजिए और तकरीबन 1 मिनट तक इसे पका लीजिए, सो दैट हम ये लास्ट 1 मिनट मीडियम आंच पर इसके लिए पका रहे हैं क्योंकि क्रिस्पी भी होने चाहिए ना। चलिए लास्ट 1 मिनट हो गया मीडियम आंच पर, तो मैं ये सारे चिकन निकाल लेती हूँ। आप इसे छन्नी के ऊपर ही रखिएगा, टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा, नहीं तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे और थोड़े सॉगी हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे हमारे जो चिकन पीसेस है बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए। चलिए सारे फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। क्या बढ़िया लगते हैं, एज इट इज़ भी आप सर्व कर सकते हैं। अब एक बड़े से बाउल के अंदर 2 अंडों को फोड़ कर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर इन्हें फेंट कर इन्हें साइड पर रख दीजिए। मैंने 1.5 कप बासमती चावल को 15 मिनट भिगाने रखा था, फिर पानी बॉईल किया, उसके अंदर नमक मैंने अच्छे से डाला, जैसे हम बिरयानी के लिए नमक कैसे डालते हैं वैसे ही एक्स्ट्रा नमक डालकर इसे बॉईल कर लिया। और बॉईल भी कैसा किया, मैंने पूरी तरीके से गलाया नहीं है, एक कणी जो रहती है, मतलब समझिए ना 95% मैंने पका लिया, 5% ही रह गया, हल्का सा एक कणी रह गई है, तो मैंने इन्हें छान कर नितार कर इसे साइड पर रख दिया है। एक कढ़ाई के अंदर आप चाहें तो नॉर्मल तेल जो आपने अभी फ्राई किया है वही वाला ले सकते हैं, मैं यहाँ असली घी डाल रही हूँ। और इसके अंदर अंडे डाल दीजिए जो हमने फेंट कर साइड पर रखे हैं और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई करने, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग्स कैसे बनाते हैं हम, बस थोड़ा पक जाए तो स्क्रैम्बल कर दीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल कर इस तरीके से साइड पर रख दीजिए। सेम वही कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, जो तेल हमने जिसमें चिकन को फ्राई किया है वही तेल ले लीजिए। तेल मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए। इन बिटवीन मैं यहाँ 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल देती हूँ, आप 2 भी डाल सकते हैं, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज छूंदा यानी कि बारीक काट कर डाल रही हूँ, 1 बड़ा सा शिमला मिर्च था उसे मैंने बारीक काट कर डाल दिया और 1 बड़ी सी गाजर थी इसे भी मैंने बारीक काट कर डाल दिया। इसे बार बार चलाते जाएँ और फास्ट आँच पर तकरीबन 2-3 मिनट तक फ्राई कीजिए। नमक भी डाल दीजिए इन बिटवीन, थोड़ा सा 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए और डालकर फ्राई करना है। हमने तब तक फ्राई करना है जब तक जो प्याज है ना सॉटी नहीं हो जाती, बस वहाँ तक ही हमें फ्राई करना है। जब 2-3 मिनट के बाद प्याज कच्ची पक्की टाइप हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और यहाँ पर मैं 3 छोटे चाय के चम्मच शेजवान चटनी डाल देती हूँ, आप सॉस भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर और 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस। टमाटर सॉस इसके लिए कि बैलेंस टेस्ट हो जाए ना। और चुटकी भर मैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल दिखाने के लिए फूड कलर डाल रही हूँ तंदूरी वाला,
आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम पर है, और इसमें है ना उबाल आ जाने दीजिए। इस तरीके से हमारे सॉसेस में उबाल आने लगे तो हमने जो चावल को साइड पर रखा है वो डाल दीजिए सारे। मैं थोड़े ही डाल रही हूँ, चिकन डाल दीजिए हमारी फ्राई करी हुई, अंडे डाल दीजिए, मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च साइड पर रख दी थी, मुझे थोड़ी सी वाइब्रेंट दिखने वाली अच्छी लगती है। तो अब इसे हल्के हाथ से मीडियम आंच पर ही रखिए और बार बार चलाते हुए टॉस कीजिए। देखिए एकदम हल्का हाथ रखना, और मैंने चावल दो भागों में डाला है, एक साथ नहीं डाला है, क्योंकि पहले थोड़ा मिक्स किया फिर बाकी का चावल डाला, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए और इसे बहुत ही अच्छे से हल्के हाथ से टॉस कीजिए, सो दैट हर दाने के अंदर हमारा ये जो फ्लेवर है और कलर सारा है वो आ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ लगे सॉसेस कम या ज़्यादा करने के लिए तो आप बेशक कर सकते हैं, तीनों चारों सॉसेस हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं, नमक चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, बट मुझे परफेक्ट लग रहा है। चलिए बहुत अच्छे से वेल कोट हो गए ना आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पकने का भी है हमारा, एक कढ़ी हमने रख दी थी, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढक कर 2-3 मिनट दम पर पकने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो ये देखिए मैं इसे पहले तो मीडियम आंच कर देती हूँ और इसे एक बार चला लेती हूँ हल्के हाथ से, मतलब चावलों को जो हम फोड़ना कहते हैं ना ये कर रही हूँ वो हो जाते हैं। चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, आप नहीं डालना है तो ऑप्शनल है, मत डालिएगा। मैंने ये जो फ्राई करी हुई चिकन साइड पर रख दीजिए थी वो भी मैं डाल देती हूँ, थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियंस बारीक कटी हुई डाल दीजिए ऊपर से, फिर से मैंने थोड़े से शिमला मिर्च अभी भी 2-4 साइड पर रखे थे थोड़े और वाइब्रेंट लगने के लिए, हमारा देखने में अच्छा लगना चाहिए ना, तो वो भी डाल देती हूँ मैं। और ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा चिकन शेजवान फ्राइड राइस। नमक, काली मिर्च और सारे सॉसेस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो चावलों को आप दम पर 2-3 मिनट रखते हैं, आपके बहुत ज़्यादा कढ़ी रह गई हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा मालिए, हल्के हाथ से चला लीजिए और इसे ढक कर 3-4 मिनट दम पर रहने दीजिए, तो उसमें वो गल जाएंगे हमारे चावल। तो है ना बढ़िया सा शेजवान फ्राइड राइस। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ये वाली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो ये वाले वीडियो के लिंक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।